गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 15, एयर अराउंड अस। लिविंग थिंग्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट एयर। वन कैन लिव विदाउट फूड एंड वाटर फॉर अ फ्यू डेज, बट इट इज डिफिकल्ट टू लिव विदाउट एयर। वी कैन नॉट सी और स्मेल एयर, बट कैन फील इट्स प्रेजेंस व्हेन इट स्टार्ट्स मूविंग और ब्लोइंग। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। अ वेदर कॉक शोज द डायरेक्शन इन विच द एयर इज मूविंग एट दैट प्लेस। हम लोग जो लिविंग थिंग्स हैं वो हम एयर के बिना नहीं रह सकते। खाने के बिना हम एक दिन या कुछ दिन रह सकते हैं, लेकिन हम एयर के बिना बिल्कुल नहीं रह सकते। हम एयर को ना तो देख सकते हैं ना स्मेल कर सकते हैं, बस फील कर सकते हैं। जब हवा चलती है तो हम उसे फील कर सकते हैं, इसीलिए मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। जो चलती हुई हवा है उसको कहा जाता है विंड। और एक वेदर कॉक एक इंस्ट्रूमेंट है, एक तरीके से जिससे कि डायरेक्शन देखी जाती है कि विंड किस तरफ ब्लो कर रही है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। वी कैन नॉट सी देन हाउ कैन वी फील इट्स प्रेजेंस। अगर हम उसे देख नहीं सकते तो हम उसे प्रेजेंस को फील कैसे कर सकते हैं। एक एक्टिविटी है टू शो दैट एयर इज प्रेजेंट ऑल अराउंड अस। अगर हम एक स्टिक ले, एक पेपर ले और एक पेन ले, इस पेपर से एक पिन व्हील एक फिरकी सी बना लें और एक फिरकी को बना करके अगर हम तेज हवा में हाथ से हिलाएं इसको, यहां से पकड़कर इसकी जो हमने स्टिक बनाई है, तो ये जो फिरकी है ये घूमना शुरू कर देती है। तो उससे फील होता है, वो ऑब्जर्व करते हैं हम कि एयर जो है वो हमारे चारों तरफ है। नेक्स्ट है एटमोसफेयर। वी लिव ऑन अर्थ, देयर इज अ थिक लेयर ऑफ एयर ऑल अराउंड द अर्थ। The blanket of air that surrounds the earth is called atmosphere. हमारी अर्थ के चारों तरफ एक layer of atmosphere है जिसे हम कहते हैं blanket of air, और इसको हम साइंस में बोलते हैं atmosphere. The atmosphere extends to several kilometers above the earth's surface. As we go high in the atmosphere, the amount of air become less. हमारी अर्थ के चारों तरफ कुछ किलोमीटर तक atmosphere होता है, और हम जितना हाई जाते हैं उतना ही एटमॉस्फेयर में एयर का जो प्रेजेंस है वो कम होती जाती है। नेक्स्ट इज कॉम्पोजिशन ऑफ एयर। टिल द 18th सेंचुरी पीपल थॉट दैट एयर वॉज जस्ट वन सब्सटेंस। 18th सेंचुरी तक सब ये सोचते थे कि एयर एक ही चीज है। हाउएवर एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड बाय फ्रेंच साइंटिस्ट लेवोशियर प्रूव दैट एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। लेकिन एक फ्रेंच साइंटिस्ट लेवोशियर ने ये प्रूव किया कि एयर जो है वो अकेली एक गैस नहीं है, वो कुछ गैसेस का मिक्सचर है। द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एयर आर नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, एंड द रिमेनिंग 1% कंसिस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 0.3%, फ्यू अदर गैसेस लाइक आर्गन, हीलियम एक्सेट्रा। तो जो एयर है एटमॉस्फेयर में एयर है उसका कॉम्पोजिशन है 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और बाकी बची हुई 1% में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल और छोटी मोटी और सी गैसेस होती हैं। लेट अस टेक अ लुक एट सम ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एयर। नंबर वन है नाइट्रोजन। इट इज प्रेजेंट इन मैक्सिमम अमाउंट अबाउट 78% इन द एटमॉस्फेयर। इट नीदर बर्न्स इटसेल्फ नॉर सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ बर्निंग। जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है सबसे ज्यादा अमाउंट में, वो ना तो अपने आप जल सकती है और ना ही बर्निंग में उसकी कोई सपोर्ट होती है। नेक्स्ट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज अबाउट 21% इन द एटमॉस्फेयर। इट इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बाय ग्रीन प्लांट्स। ऑक्सीजन 21% है और ये प्रोड्यूस होती है फोटोसिंथेसिस में। ग्रीन प्लांट्स जब फोटोसिंथेसिस करके अपने लिए अपना फूड प्रोसेस करते हैं तो उस टाइम पर ऑक्सीजन रिलीज होती है प्लांट्स में से। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीजेस विद हाइट, दैट्स व्हाई अ माउंटेनियर क्लाइंब अ हाई माउंटेन एंड डाइवर गोइंग इनटू द डीप सी यूजेस ऑक्सीजन सिलेंडर्स। ऊपर जितना हम हाइट पे जाते जाते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस कम होती जाती है, इसलिए जो माउंटेनियर्स होते हैं वो जब हाई माउंटेन्स पर जाते हैं या जो डाइवर होते हैं वो डीप सी के अंदर जाते हैं तो ऑक्सीजन सिलेंडर साथ में लेकर जाते हैं। पेशेंट्स विद ब्रीदिंग प्रॉब्लम एंड पेशेंट इन हॉस्पिटल्स आर आल्सो गिवन एक्स्ट्रा ऑक्सीजन फ्रॉम द ऑक्सीजन सिलेंडर। और जो पेशेंट
हॉस्पिटल्स में होते हैं, जब उनको ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो भी ऑक्सीजन सिलेंडर से उनको एक्स्ट्रा ऑक्सीजन प्रोवाइड कराई जाती है। थर्ड कंपोनेंट है एयर में कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल अमाउंट, अबाउट 0.3% इन द एटमॉस्फेयर, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एयर। होती तो ये 0.3% है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है। प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। बर्निंग ऑफ मटीरियल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, दस वी फील सफोकेटेड इन अ क्लोज रूम विथ सम बर्निंग मटीरियल। कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो प्रोड्यूस बाय रिस्पिरेशन इन द एनिमल्स, प्लांट्स एंड ह्यूमन बींग्स। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से रिलीज होती है? जब फोटोसिंथेसिस होता है तो प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, जो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और उससे फोटोसिंथेसिस करते हैं और उससे ऑक्सीजन रिलीज होती है। जब बर्निंग मटेरियल को किसी चीज को जलाया जाता है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। इसीलिए जब हम किसी बर्निंग मटेरियल के साथ किसी बंद रूम में अगर कुछ देर रह लें तो वहां हमें सफोकेशन फील होनी शुरू हो जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रेस्पिरेशन में भी, एनिमल्स के रेस्पिरेशन में, प्लांट्स के रेस्पिरेशन में और ह्यूमन बींग्स में रेस्पिरेशन में जो है वो रिलीज होती है। अब किसी चीज में कार्बन डाइऑक्साइड है उसे कैसे हम टेस्ट करेंगे? अ ग्लास प्लेट इन एंड लाइम वाटर। अगर हम एक लाइम वाटर लेते हैं ग्लास प्लेट में और उसे एयर में रख देते हैं तो लाइम वाटर जो होता है वो थोड़ी देर के बाद मिल्की हो जाता है, दूध जैसे कलर का हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उसमें एयर में से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उस लाइम वाटर में मिल जाती है और जिसकी वजह से लाइम वाटर व्हाइट या मिल्की दिखाई देता है। फोर्थ क्या होता है उसमें एटमॉस्फेयर में? वाटर वेपर। एयर कंटेन्स वाटर वेपर। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। व्हेन इट कम्स इन कॉन्टेक्ट विद अ कूल सरफेस द वाटर वेपर्स ऑफ द एयर कंडेंसेस। प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इम्पॉर्टेंट फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ वाटर साइकिल इन नेचर। जो एयर है में वाटर वेपर है वो उस क्या कहलाती है? ह्यूमिडिटी कहलाती है। जब ये कॉन्टेक्ट में आती है किसी कूल सरफेस के तो ये कंडेंस होकर क्या बन जाती है? ये दोबारा से कंडेंस होकर प्रेजेंट वाटर वेपर जो है फिर से ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाती है और इस तरीके से वाटर साइकिल नेचर में कंटिन्यू रहता है। नेक्स्ट, डस्ट पार्टिकल्स एंड स्मोक। द अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल्स वेरी इन एयर फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। वी ब्रीद इन एयर थ्रू अवर नॉस्ट्रिल्स। फाइन हेयर एंड म्यूकस प्रेजेंट इन साइड द nose prevent dust particles from entering into our lungs. We should never breathe in air through our mouth because harmful dust particles and germs present in many, it may enter our body and affect our health. जो dust particles होते हैं air में वो क्या होते हैं? Time to time सब जगह पर होते हैं dust particles, और अगर हम इसको inhale कर लेते हैं, जब हम breathe करते हैं तो हम inhale करते हैं जब, तो dust particle हमारी नॉस्ट्रल्स के थ्रू अंदर की तरफ जाते समय जो नॉस्ट्रल्स में फाइन हेयर या म्यूकस जमा हुआ होता है उसकी वजह से वो डस्ट पार्टिकल हमारे लंग्स में जाने का उन्हें रास्ता नहीं मिलता और लंग्स में नहीं जाते। और अगर ये डस्ट पार्टिकल्स हमारे लंग्स में चले जाए तो हमें क्या होता है? उसकी वजह से हमें सांस लेने में परेशानी होती है। और डस्ट पार्टिकल्स में जर्म्स भी प्रेजेंट होते हैं, तो जो नॉस्ट्रल्स में हेयर होते हैं या म्यूकस होता है ये हमारी बॉडी में इसे एंटर करने से रोक देते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आगे इसका चैप्टर और स्टार्ट फिनिश करेंगे।